नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार, जल्द लाएगी ट्रू कॉलर जैसा ऐप। केंद्र सरकार लगातार फर्जी कॉल्स को रोकने के प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में सरकार अब स्वदेशी ट्रू कॉलर जैसे ऐप लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऐप कॉलर की असली आईडी की जानकारी देने में सक्षम होंगे। इससे फेक कॉल्स की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। इसे कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन कहा जाता है। सुझाव दिया गया है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सेवा के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। कस्टमर्स के अनुरोध पर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा दे सकते हैं। यह भी कहा गया है कि नंबर लेते समय जो डिटेल कस्टमर्स टेलीकॉम कंपनियों को देंगे उसका इस्तेमाल कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के लिए किया जाएगा। यूपी में टूटेगा 3 दशक का रिकॉर्ड, विधान परिषद में शून्य हो जाएगी बसपा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 सीटों के चुनाव का ऐलान पहले ही हो गया है। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन 4 मार्च से शुरू होगा। चुनाव के बाद 3 दशक में पहली बार ऐसा होगा जब बसपा का कोई सदस्य विधान परिषद में नहीं होगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बसपा का कोई सदस्य नामांकन करने की स्थिति में भी नहीं होगा। मौजूदा समय में 399 विधायक हैं और ऐसी स्थिति में विधान परिषद के एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 29 वोट चाहिए होंगी। इसके साथ ही नामांकन करने के लिए 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर होने चाहिए। इस कारण बसपा के लिए विधान परिषद चुनाव में जीतना तो दूर वर्तमान परिस्थिति में उसके उम्मीदवार का नामांकन करना भी असंभव प्रतीत होता है। वहीं आजादी के बाद यह पहला मौका है जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है। जम्मू कश्मीर का एक बार फिर दौरा करेंगे पीएम मोदी, अनंतनाग में होगी रैली। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा कर अनंतनाग में सार्वजनिक रैली को संबोधित कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 7 से 15 मार्च के बीच कश्मीर जा सकते हैं। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। भाजपा की कश्मीर इकाई प्रधानमंत्री मोदी से श्रीनगर में भी रैली को संबोधित करने का आग्रह कर सकती है। हालांकि अभी तक श्रीनगर में रैली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगर 7 से 15 मार्च के बीच पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचते हैं तो यहां 1 महीने के भीतर उनका दूसरा दौरा होगा। इससे पहले 20 फरवरी को जम्मू में पीएम मोदी ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था और 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए तेजी से काम जारी, 284 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन का कार्य पूरा। देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अहमदाबाद और मुंबई रूट पर काम तेजी से चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बुलेट ट्रेन रूट के लिए गुजरात में 284 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के बीकेसी और बिक्रौली स्थित बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित स्टेशनों का दौरा कर प्रगति की समीक्षा की थी। रेल मंत्री ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया था। देश की पहली बुलेट ट्रेन 220 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और मुंबई से अहमदाबाद 2.07 घंटे से 2.58 घंटे में पहुंच सकेगी। वहीं रेलवे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का भी अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है। जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट से जूझ रहे दक्षिण कोरिया, जापान और चीन, सरकारी प्रोत्साहन भी हो रहा बेअसर। एशिया के 3 देश इन दिनों जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट का सामना कर रहे हैं। इनमें दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला चीन, तकनीक का सम्राट जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इन देशों की सरकारें बच्चा पैदा करने पर प्रोत्साहन और सब्सिडी का लालच भी दे रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन यापन और बच्चों की शिक्षा की उच्च लागत, स्थिर वेतन आदि कारण जन्म दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।
दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर पहले से ही दुनिया में सबसे कम थी और बीते वर्ष गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन की जनसंख्या में भी लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है। इसी तरह बूढ़े होते जापान में बच्चों की संख्या गिरकर नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। हुंडई क्रेटा का नया मॉडल 11 मार्च को होगा लॉन्च। 19 से 22 लाख रुपए हो सकती है कीमत। हुंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च हुए 2 महीने ही हुए हैं और इस बीच कंपनी इसका एक और नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है। उत्तर कोरिया की कंपनी हुंडई आगामी 11 मार्च को क्रेटा का एनलाइन वेरिएंट को लॉन्च करेगी। यह भारत में हुंडई की तीसरी एनलाइन कार होगी। माना जा रहा है कि इस नई एसयूवी को कंपनी कुछ बदलाव के साथ पेश करेगी। इसके इंजन में भी अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसका रिट्यून सस्पेंशन भी ज्यादा मजबूत होगा और एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस के लिए नया स्टेयरिंग भी शामिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रेटा के इस नए मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 19 से 22 लाख रुपए हो सकती है। 24 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे रजनीकांत साजिद नाडियाडवाला की फिल्म में आएंगे नजर। सुपरस्टार रजनीकांत करीब 24 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि उनकी कंपनी रजनीकांत को लेकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली है। साजिद नाडियाडवाला ने कहा कि यह बहुत ही सम्मान की बात है कि हमें लेजेंडरी रजनी सर के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। साजिद ने हालांकि फिल्म का प्लॉट और बाकी डिटेल साझा नहीं की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। साजिद नाडियाडवाला ने किक, मुझसे शादी करोगी, जुड़वा, टू स्टेट्स जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई है। रजनीकांत साल 2000 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बुलंदी में अनिल कपूर, रेखा और रवीना टंडन के साथ नजर आए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।